हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रोड, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम हॉल ट्रिक्स फॉर WBJEE। क्या एग्जाम हॉल में आपको ट्रिक्स अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको, आप सपोज पकड़ लीजिए आपको 100 मार्क्स मिलने वाला था, उससे कैसे आप अनदर 50 मार्क्स ऐड कर सकते हैं, मतलब कैसे आप 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं WBJEE में। तो कुछ एग्जाम हॉल ट्रिक्स आज बताऊंगा, जो आप अगर आप फॉलो करें तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज WBJEE से मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी बच्चे के लिए जो WBJEE में बैठना चाहते हैं। तो वीडियो अभी से कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं WBJEE एग्जाम हॉल ट्रिक नंबर वन। तो ट्रिक नंबर वन क्या है, पहले आपको दिया जाएगा आपका मैथ्स पेपर, फिर आपका आएगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर। तो मैथ्स पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैथ्स में पहले इजी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर लास्ट में जो जो क्वेश्चन आपका बचेगा वो क्वेश्चन आप कीजिए। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत ही अच्छा, हो सकता है मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी आप ज़्यादा अटेंड कर सकते हैं, उससे आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो क्या बोला मैंने, आपको पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो क्वेश्चन बचा है, जो हार्ड क्वेश्चन बचा है, वो हार्ड क्वेश्चन आप अप्लाई कीजिए, वो हार्ड क्वेश्चन आप बनाना ट्राई कीजिए। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। अब जब सेकंड पेपर आएगा, मतलब ट्रिक नंबर टू क्या है, सेकंड पेपर जब आएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो आप स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री सॉल्व हो गया, फिर करेंगे आप फिजिक्स। तो ये हो गया नंबर टू ट्रिक्स। तो पहला क्या मैंने बोला, आप इजी क्वेश्चंस पहले कीजिए। दूसरा क्या, जब सेकंड पेपर आएगा आप केमिस्ट्री पहले कीजिए, उसके बाद फिजिक्स कीजिए। अब चलिए ट्रिक नंबर थ्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक है आपका वेमर सीट रिलेटेड। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका वेमर सीट आपको ठीक से फिलअप करना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता वेमर सीट कैसे फिलअप करना है, तो देखिए यहाँ पे एक वीडियो आएगा आई टैब में, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको वेमर सीट फिलअप करना पड़ता है। पर एक चीज़ वेमर सीट फिलअप करने के टाइम आप जरूर याद रखिए, वेमर सीट में जो राउंड होता है वो ऐसे फिलअप करना है आपको जिससे आपका कम टाइम मतलब यूज हो, आपके पास ज़्यादा हाथ में टाइम रहे। तो कैसे करना है, सपोज पकड़ लीजिए यहाँ पे एक राउंड है, तो वो राउंड को आपको पहले जो बॉर्डर है आपको बॉर्डर के आसपास आपको एक मार्क करना पड़ेगा। वो आप ब्लैक पेन से, मुझे लगता है एग्जाम में पेन देते हैं, तो वो जो पेन आपको देंगे वो बॉल पेन से आपको पहले बाहर का लाइन मतलब जो अंदर होता है वो सर्कल का अंदर का लाइन एक ड्रॉ करना है, उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकता है। मुझे लगता है मुझे आपको एक बार दिखाना चाहिए, तो चलिए मेरा स्क्रीन में चलते हैं और आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे आपको जो बॉक्स है मार्क करने का ABCD उसको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। पकड़िए यहाँ पे आपका एक पेपर रहेगा जहाँ पे ऐसा एक मार्क रहेगा मतलब ABCD, तो ABCD ऐसा एक रहा आपका ABCD। तो आप सपोज पकड़ लीजिए आपका बी आंसर है, तो आपको पहले इसके आसपास जो जगह है ये पहले राउंड कर लिया आप, उसके बाद इसको ऐसे कीजिए तो आपका जल्दी फिलअप होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एक ट्रिक मैं बताता हूँ, सपोज पकड़ लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर है आपका सी, तो आप कैसे करेंगे, ये प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये अंदर का राउंड बना लिए, फिर ऐसे, ये भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना है आपको, आपका जो आप फिलअप करेंगे तो आपका अंदर, इसके अंदर कोई भी सफ़ेद गैप नहीं रहना चाहिए, आपको ठीक से फिलअप करना है। तो आज कुछ ऐसा ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया जिससे आप बहुत ही अच्छा टाइम बचा सकते हैं, और उस टाइम के अंदर और आप 10 से 12 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन अटेंड करें तो आपको मार्क्स मिल सकता है 48 के आसपास। तो इतना मार्क्स अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत ही अच्छा एक कॉलेज अचीव कर सकते हैं। पहले तो आपको उतना मार्क्स मिल ही रहा था, अब आपने ऐसा ट्रिक समझ लिया है जिससे आप टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम में आप और भी क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना क्योंकि शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे चैनल पर है तो मेरे चैनल को क्या करना है, जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते वीडियो का आज यही पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।